क्या सर, काफ़ी पढ़ाई वाला माहौल लग रहा है यहाँ पे। सब लोग कॉपी बुक्स लेकर रखे हुए हैं। क्या चल रहा है? कुछ बड़ा आने वाला है क्या अभी? बड़ा तो आने वाला है सर। आज वैसे भी एक तारीख अगर ऐसा बोलेंगे बड़ा आने वाला तो सोचेंगे बच्चे की मूर्ख बना रहे हैं, लेकिन हम लोग कोई मूर्ख बनाने वाला काम नहीं कर रहे हैं। कुछ बड़ा करने की प्लानिंग हो रही है और उसी की तैयारी चल रही है। फिलहाल अभी तो हम जो है NCERT सीरीज पढ़ रहे हैं और बाकी प्लानिंग उसी की हो रही थी, लेकिन ये हुआ पहले सब लोग थोड़ा थोड़ा अपना जिसको जो लिखना पढ़ना है पढ़ लें, उसके बाद जो है चर्चा शुरू होगी। बाकी लोग भी तो सर यहाँ पे देख लीजिए एकदम काफी तैयारी में लगे हुए हैं। मैं तो रीजनिंग का यही देखिए काउंटिंग ऑफ फिगर सभी थोड़ा देख रहा हूँ क्वेश्चंस को। कल पूरा नॉन वर्बल का सफाया करना है हमको लेके, तो इसीलिए लगा हुआ हूँ। ठीक है, कल सुबह 8 बजे से आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है, और स्मृति सर अपना पढ़ रहे हैं। और मनीष सर आप बताइए। कुछ नहीं भाई, इन बच्चों के लिए कई अलग अलग परीक्षाओं के प्रश्न देख रहा हूँ, क्या और करा दिए जाए जिससे उनका अच्छा न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो सर बस 85 दिन बचा हुआ एग्जाम के लिए बच्चों के लिए, उसके लिए हम लोग एक वीडियो डाले थे, तो जल्दी अनाउंसमेंट तो आएगा ही। ठीक है, अभी लेकिन जो मैं पढ़ रहा हूँ तो करंट अफेयर के लिए, अरे करंट अफेयर कह रहा हूँ, जनरल टेस्ट सर, आपका करंट अफेयर मेरे दिमाग में घुस गया है। करंट अफेयर के लिए ज्यादा नया चीज लेके आए सर, ऐप पे बहुत सारा मैं सुनो, आप ऐप पे बहुत कुछ डाले सर, वो जो हिंदी अलग और इंग्लिश अलग दोनों का अलग अलग PDF 10 क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन के साथ। बच्चे तो बार बार पूछ रहे, उनको मिल भी नहीं रहा है, बताइए कहाँ पे है करंट अफेयर। वो इम्पोर्टेंट PDF जो है उसी सेक्शन में आप जाएंगे तो उसमें वो पड़ा हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रिंट करके उसको खूब पढ़िए और डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। सर हम तो सुने थे काफी बढ़िया बढ़िया चीज है उसमें, ताकि आपकी तैयारी बढ़िया हो जाए, GK और पता नहीं क्या क्या। GK का भी क्वेश्चन है और साथ ही साथ जो जैसे जो करंट अफेयर पढ़ाते हैं वो तो आप PDF आपको टेलीग्राम मिल जाता है, उसके अलावा एक्स्ट्रा करंट अफेयर उसमें है, तो उसको डाउनलोड करके पढ़ते रहिए। स्टैटिक GK भी साथ साथ में आपको उसमें मिलता रहेगा। बाकी तो बाकी सीधे सर आप बताएं आप क्या कर रहे हैं। मैं जो है बच्चों के लिए कल जो है सुबह हम लोग 8 बजे मिल रहे हैं बच्चों के साथ मैराथन के लिए, तो एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस जो हम लोगों ने अप्रोक्सीमेटली लगभग 40 से 45 लेक्चर मिला के दोनों यूनिट्स को कवर कराया था, तो उन्हीं से रिलेटेड जो है बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग जो है सेलेक्ट कर रहे हैं, जो कि आपके एक्सपेक्टेड MCQs हो सकते हैं, जिससे बाहर कहीं से क्वेश्चंस ना आए बच्चों के लिए एग्रीकल्चर में। तो सर अगर ये पढ़ लेंगे पूरा तो सिलेक्शन हो जाएगा। दो यूनिट्स के लिए कुछ छूटेगा नहीं मेरा। हाँ, दो यूनिट्स के लिए जितना वो MCQ क्वेश्चन हम लोग कराएंगे उतने अगर उन्होंने कर लिया है, और उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन का पोस्टमार्टम भी करते हैं, वहाँ पे जब भी क्वेश्चन के ऑप्शन होते हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं, उतना से बाहर जो है क्वेश्चंस नहीं आएगा दो चैप्टर्स के लिए। अभी हम लोग शुरू किया है, निरंतर आगामी दिनों में बाकी चैप्टर्स के लिए भी लेकर आते रहेंगे, ताकि हम चाहते हैं कि बच्चों की जो आने वाले 50 दिन है ना वो इतना फ्रूटफुल हो कि उनके लिए उस 50 दिन का जो है लक्ष्य उनका मिल जाए और वो जो है अच्छी यूनिवर्सिटी। इसके लिए सर आपने तो कीड़ा भी शुरू किया है कुछ। हाँ, एग्रीकल्चर का कीड़ा हम लोग की ऑलरेडी जा ही रही है रेगुलर कंटेंट, जिसमें महत्वपूर्ण पॉइंट्स को, जैसे बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं ना सर कि कुछ जो फैक्चुअल पॉइंट्स होते हैं उसमें कंफ्यूज होते हैं कि कैसे इनको प्रिपेयर करें, तो उस तरह के फैक्चुअल पॉइंट्स को एक जगह कंपाइल करके हम लोगों ने एग्रीकल्चर की कीड़ा शुरू किया था, जिसको काफी बच्चे पसंद भी कर रहे हैं, जिसमें आगामी दिनों में उनको मिलते रहेगा कंटेंट्स। ये तो बच्चों का काम है कि वो लोग शेयर करें और अपने दोस्तों में भेजें। तो बच्चों, मैंने कहा है कि मैराथन में भी जो है कितनी ज्यादा बच्चों की इन्वॉल्वमेंट होगी, देखिए बच्चों के एंड से भी उनको कुछ करना चाहिए, जैसे हम लोग का क्या है पूरी टीम अफोर्डेबल प्राइस में पढ़ाना, यूट्यूब पे फ्री लेक्चर देना, बच्चों का भी एक क्या होना चाहिए कि उनका जो हम लोग का इफॉल्ट है ना उसको पूरी दुनिया तक शेयर करें, कि ताकि वो जहां से पढ़ रहे हैं वो कितनी अच्छी जगह से वो पढ़ रहे हैं इस चीज को सबको बताएं। तो ठीक है बच्चों, कल दो दो मैराथन है, आप आइए सुबह 8 बजे से, एग्रीकल्चर वाले एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, बाकी सब लोग रीजनिंग पढ़ेंगे। ठीक है, CHS के लिए भी सर कुछ था, CHS के लिए भी क्लासेस है कल शाम में, बताइए सर आप। CHS के लिए सर कल शाम में क्लासेस चलेंगी। क्या कराएंगे उसमें आप? 11th के लिए फिजिक्स PYQ। चलिए, बच्चे काफी पसंद कर रहे हैं PYQ आपका, PYQ और एक्सपेक्टेड MCQ सर। चलिए CHS के लिए भी आप हो गया सर। मैं तो कह रहा हूँ 11th और 9th दोनों का ले लीजिए, एक क्लास ना हो तो। ठीक है सर, दोनों के लिए। चलिए बच्चे खुश हो जाएंगे। तो कल CHS के लिए भी संडे को क्लास है, संडे छुट्टी नहीं मारना है। ठीक है, बाकी हम लोग पढ़ेंगे, जितना आप पढ़ पाएंगे उतना हम पढ़ा पाएंगे। ठीक है ना, थोड़ी तबीयत खराब है लेकिन आप एनर्जी से आएंगे तो हम पढ़ा पाएंगे, अगर आप एनर्जी पूर्वक नहीं आएंगे तो हम भी जल्दी छोड़ देंगे, जल्दी छूट जाएगा हमको। ठीक है, बाकी दो क्लास है, मैराथन एक साथ होने जा रही है CUET के मतलब क्षेत्र में, समझिए आप एक साथ हम लोग पढ़ेंगे, दवा तोड़ एकदम दिखा दीजिए आप लोग की कितना आप में जोश है, क्या आप लोग एक्साइटेड है कल के लिए, बहुत मजेदार क्वेश्चंस, बहुत कंसेप्चुअल चीजें, और कल के क्लास से कम 5 से 10 क्वेश्चन तो कंफर्म है, 5 से 7 क्वेश्चन कंफर्म है, ये तो मैं श्योर कर सकता हूँ। तो 35 नंबर तुम मेरी क्लास से लेके जाओगे। सर आप कितना दे रहे हैं क्वेश्चन? सर कम से कम एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस अगर देखा जाए तो दोनों यूनिट्स को मिला के 10 से 12 क्वेश्चन तो सर हर एग्जाम में आता ही है। 60 नंबर मतलब मान के चले 12 क्वेश्चन मतलब 60 नंबर का जुगाड़ जो है कल बच्चे कर लेंगे। इसको सर क्या यूपी कैटेड और बाकी सब स्टेट एग्जाम के बच्चे तैयारी कर रहे वो पढ़े पाएंगे? नहीं, ये जो क्वेश्चन रहेगा ये ऐसा नहीं कि सिर्फ CUET और ICER के यही रहेगा, ये जो आपके स्टेट लेवल के, जैसे कोई बच्चा बिहार का है
बिहार कंबाइंड, जेट, यूपी कैडेट और एमपी पेट जैसे जो स्टेट लेवल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है उनके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्योंकि देखिए हम लोग बैचेस तो अलग अलग स्टेट बोर्ड्स के लिए नहीं कराते, लेकिन जो क्वेश्चंस कराएंगे ना वो इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगा उनके स्टेट बोर्ड्स के लिए और उनके जो सीयूईटी और आईसीआर जो कंबाइंड एंट्रेंस हो रही है उसके लिए।